दुनिया में लोगों के कई तरह के शौक होते हैं। कुछ अपनी जिंदगी देश के लिए निछावर करना चाहते हैं तो कुछ अपने परिवार के लिए। लेकिन दुनिया में एक ऐसा शख्स है जिसकी जिंदगी का मुख्य मकसद है 100 शादियां कर 1000 बच्चे पैदा करना। जी हाँ, ये शख्स है जिम्बाब्वे में रहने वाला 66 साल का मिशेक न्यानडोरो। मिशेक की उम्र 66 साल की है और अभी उसकी 16 बीवियां हैं। साथ ही जल्द वो 17वीं शादी करने जा रहा है। मिशेक का कहना है कि वो कोई जॉब नहीं करता है, उसका मुख्य काम सिर्फ अपनी बीवियों को संतुष्ट करना है। जिम्बाब्वे में रहने वाले मिशेक की जिंदगी का टारगेट है कि वो अपनी मौत से पहले 100 शादियां करे। अभी उसकी 16 बीवियां हैं और जल्द ही एक नई नवेली दुल्हन लेकर आने वाला है। मिशेक के फिलहाल 151 बच्चे हैं, लेकिन इनसे वो खुश नहीं है। वो चाहता है कि उसके मरने से पहले वो 1000 बच्चों के पिता बने। इसके लिए वो जमकर मेहनत भी कर रहा है। मिशेक ने बताया कि वो हर रात अपनी 4 पत्नियों को टाइम देता है। उसकी कोशिश है कि वो बारी बारी से सभी को खुश रखने की। उसकी सारी बीवियां एक ही घर में रहती हैं। मिशेक ने अपने साथ ही हो रही अजीबोगरीब परेशानी को भी शेयर किया है। मिशेक का कहना है कि उसकी पत्नियां समय के साथ बूढ़ी हो रही हैं। ऐसे में वो अपने पति के साथ सेक्स लाइफ मैच नहीं कर पाती। इसी कारण मिशेक को नई युवा लड़कियों से शादी करनी पड़ रही है। मिशेक का कहना है कि उसने अपने टारगेट के हिसाब से अपना रूटीन बना लिया है। वो 4 बीवियों के साथ हर रात समय गुजार उन्हें प्रेग्नेंट करने की कोशिश में रहते हैं। बात अगर मिशेक की जॉब की करें तो वो बेरोजगार हैं। उनका कहना है कि उसके बच्चे ही उसका घर चलाते हैं, उसे तरह तरह के गिफ्ट देते हैं। उसके कई बेटे सरकारी नौकरी में हैं, साथ ही कई बेटियों की शादी भी हो चुकी है। मिशेक ने आखिरी बार शादी साल 2017 में की थी। इसके बाद उसने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, लेकिन अब उसका मन सभी बीवियों से भर गया है, लेकिन 2021 में फिर से शादी की शहनाई बजने को तैयार है। तो क्या कहना है आपको इस मास्टर प्लान के बारे में, कमेंट्स करके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग स्क्रीन।